सो so, अली भाई उस वक्त आप कॉन्टेंट क्रिएट करते थे तो वालदा के साथ आपने कॉन्टेंट क्रिएट किया सबसे पहले सो so, वालदा के साथ कॉन्टेंट क्रिएट करने का क्या रीज़न था क्योंकि हम ही दो थे और घर मेरे पास और कोई था नहीं तो और जो पहला मुझे आइडिया आया था वो अनोर मसूर साहब की जो पोइट्री थी आ... आज की पकाई है 10 13 की ख्याल है तो वो मैंने अम्मी के साथ किया था कि अम्मी कुछ पका रही है तो मैं अम्मी को पूछा बेबी आज की पकाई है तो अम्मी कहती दस 10 की ख्याल है तो वो एक आपस में एक मजाक माँ के साथ जो था वो डाला था और वो दस साल पहले ओवरनाइट कोई 50 60000 व्यूज आ गए थे मैंने कहा यार ये ये क्या हुआ है अचानक क्योंकि और उस जमाने में बहुत थे वो पांडे कुछ हमको पांडे ऐसे कोई डायलॉग था आपका

अभी एक इंडिया के कंटेंट क्रिएटर है बड़ा ज़बरदस्त है और मेरे नाम की इतनी बीमारी मैं भूल जाता हूँ उस पर उस पर भी एक दो दिन में आठ मिलियन कुछ व्यूज़ आ गए और उसमें कमेंट्स में इतनी गालियाँ पड़ रही हैं भाई को वो माँ के ऊपर था कि इसी तरह के माँ के प्यार के ऊपर था वो अच्छा उस सीधा सा मजाक था लेकिन लोगों को समझ ही नहीं वो समझा कि माँ की बुराई कर लेकिन वो मजाक और उस वो लिटरली असल में मेरे साथ हुआ है जो मैंने उसको मजाक में बनाया था और अम्मी के साथ जो भी बातें हुई थी और अम्मी को भी पता है वो बातें सारी कुछ लेकिन वो लोगों को समझ नहीं आती और यही मुझे इस चीज़ का मजा आता है कि आप शो ना करो लोगों को कि आप कॉमेडी कर रहे हो लोगों को खुद ही गेस्ट करने दो क्या हो रहा है शरिकाजम की ब्यूटी है बेसिकली हमारे यहाँ हमारे रीजन में तो शरिकाजम का मतलब ही नहीं पता लोगों को ठीक है एक मजाक होता है यूं बैठ कर सीरियस बात कर रहे हैं हम ना ठीक है जैसे हम डी वाली बात करते हैं कि यार बड़ा जबरदस्त किस्म के डी ने ना नए निकाले इक्विपमेंट और इसके अंदर जो क्वालिटी है ना बहुत नेक्स्ट लेवल है लेकिन मसला है कि बहुत महंगा है यार ये हाँ तो वो सीरियस बातें कर रहे हैं लेकिन ये कि एक्चुअल में तफरी है तो वो सरकेजम जो है ना वो हर एक को समझ आता भी नहीं है और जितना आप हाई लेवल पर जाते हो सरकेजम उतने लोग ओफेंड होते हैं लेकिन आई एम ग्लैड के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फिर लोगों को एजुकेट भी करते हैं तो इसके अंदर बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है हुँ। लेकिन हुँ। नहीं। ए, ए, एक, एक सबसे विन विन नहीं है अगर कोई अगर कोई लड़ भी रहा है आपकी एंगेजमेंट बढ़ रही है